हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पारमैम क्लास। आज हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। टॉपिक का नाम है सिमेट्री ऑपरेशन फॉर अ टू डायमेंशनल क्रिस्टल। टू डायमेंशनल क्रिस्टल के ऊपर हम सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो पहले हम समझते हैं सिमेट्री ऑपरेशन क्या होते हैं। अगर आपके पास कोई क्रिस्टल लैटिस है और उस क्रिस्टल लैटिस को हमें उसी फॉर्म के अंदर लेके आना है, उसी इनिशियल फॉर्म के ऊपर लेके आना है, तो हम ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं और क्रिस्टल लैटिस पहले जैसा ही हो जाता है। फॉर एग्जांपल, हमने कंसीडर कर लिया ये हमारे पास एक क्रिस्टल लैटिस है। अभी इसकी जो पोजीशन है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसको हम रोटेट करा रहे हैं, हॉरिजेंटल फॉर्म में आ गया, देन फिर रोटेट कराया, डाउनवर्ड हो गया, हॉरिजेंटल आ गया, एंड देन वापस से ये किस फॉर्म के अंदर आ गया है, वर्टिकल फॉर्म, इनिशियल फॉर्म जिस जो हम लेके चले थे। तो ये कहलाते हैं सिमेट्री ऑपरेशन। ये टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन दोनों के ऊपर अप्लाई होते हैं, ठीक है। हमने इसको क्या किया, पेन को 360 पे रोटेट कराया, तभी वो इनिशियल पोजिशन के ऊपर आया। तो ये एक एग्जाम्पल है सिमेट्री ऑपरेशन के लिए। इस तरीके से इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे। नेक्स्ट आगे आता है टाइप ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन। फर्स्ट रोटेशन सिमेट्री, सेकंड रिफ्लेक्शन सिमेट्री, थर्ड इन्वर्जन सिमेट्री, फोर्थ ट्रांसलेशन सिमेट्री। देखो यहाँ पे जो सिमेट्री ऑपरेशन है इसके अंदर सिमेट्री वर्ड आ रहा है। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, आइडेंटिकल, सेम। तो इसका मतलब जब ये ऑपरेशन हम अप्लाई कर रहे हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर के ऊपर, तो वो हमें वापस से किस फॉर्म के अंदर मिल रहे हैं, इनिशियल फॉर्म के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं रोटेशन सिमेट्री के बारे में। देखो रोटेशन सिमेट्री के अंदर हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं। हमने यहाँ एक सर्कल लिया, ठीक है, साइकिल का पहिया, उसके अंदर इस तरीके से स्पोक होती हैं, ये हमने ले लिया और इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, रोटेट कराएंगे। जब हम रोटेट करा रहे हैं इसको, तो जो ये पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिए, इन पॉइंट्स की पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। पोजीशन चेंज हो रही है लेकिन इसकी जो शेप है वो चेंज नहीं हो रही है। और एक रोटेशन के बाद हमें सेम स्ट्रक्चर जो है वो दोबारा से मिलेगी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रोटेशन सिमेट्री। अब देखो यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, ये एंगल हमें चेक करना है, तो वो एंगल निकालने के लिए भी हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। जनरली आपको देख के पता चल रहा है ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल जो है वो क्या होगा, 45, ये भी क्या होगा, 45, फोर्थ क्वाड्रेंट है तो 90 बनेगा यहाँ पे। अब देखो अगर इसको हम रोटेट करा रहे हैं, इसके ऊपर हमने रोटेशन अप्लाई कर दिया, तो इस तरीके की कुछ फॉर्मेशन हमें मिलेगी। ये जो ए पॉइंट है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ हमें मिल रहा है ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो ऐसे हम कितनी बार इसको रोटेट कराएं कि हमें कंप्लीट सिमेट्री मिल जाए वो देखना है। तो हम यहाँ से काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका मतलब अगर इसको हम 8 टाइम रोटेट कराते हैं तो हमें वापस से यही फॉर्म मिल जाएगी। यहाँ एक फॉर्मूला यूज़ किया जाता है एन थीटा इक्वल्स टू 360। थीटा रिप्रेजेंट करता है एंगल को। अगर आपको एंगल निकालना है तो फॉर्मूला बन जाएगा थीटा इक्वल्स टू 360 बाय एन। और अगर हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है एन के लिए, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 360 बाय थीटा। अब देखो यहाँ पे हमने काउंट कर लिया कि इतने रोटेशन के बाद मिल रही है, तो अप्लाई कर दो 360 डिवाइडेड बाय 8। इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद क्या मिल रहा है हमें, 45। तो थीटा की वैल्यू क्या है, 45। अब यहाँ पे चेक कर लो सेम है या नहीं है, 360 डिवाइडेड बाय 45, तो यहाँ पे आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी, डायरेक्ट 8। तो नंबर ऑफ रोटेशन इस केस में क्या होगी, 8 होगी। अगर नंबर ऑफ रोटेशन आपको निकालना है किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एंगल चेक करना है तो उसके लिए भी हम ये अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर एन की वैल्यू जो है वो अलग अलग होती है। इसके अंदर हम 1 fold 2 fold 3 fold इस तरीके से सिमेट्री यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो नंबर हैं उसकी वैल्यू 5 और 7 के इक्वल नहीं होती है। 5 और 7 fold सिमेट्री एप्लीकेबल नहीं होती है। क्यों नहीं होती है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। पहले आपको
डायग्राम बनाना है, देन डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसके बाद आप ये फॉर्मूला लिखोगे, राइट? ये इसका डेफिनेशन हो गई, ठीक है? अब इसमें एक और एग्जांपल ले लेते हैं. लाइक हमने यहाँ पे स्क्वायर लिया है, इसको हमने नाम दे दिया ए बी सी डी. अब हमें पता है स्क्वायर का यहाँ पे जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री. तो ये सारे एंगल सेम होंगे, प्रॉपर्टी है ये इसकी. अब इसके अंदर हमें रोटेशन चेक करना है, तो हम ए टू बी रोटेट करा रहे हैं. तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये पॉइंट्स हैं इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, बाकी शेप जो है वो क्या रहेगी, सेम. ए वाला पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ए. बी वाला यहाँ शिफ्ट हो रहा है, सी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, डी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, इसको आगे अप्लाई करेंगे, तो ए यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, बी यहाँ पे. इस तरीके से क्या होगा, इसके अंदर रोटेशन होंगे और एक रोटेशन के बाद हमें इसकी एग्जैक्ट सेम यही पोजीशन मिल जाएगी. अब इसके अंदर हमें ये निकालना है कि कितने नंबर ऑफ रोटेशंस होंगे, तो वो नंबर ऑफ रोटेशंस आप निकाल के बताओगे मुझे फॉर्मूला यूज़ करके. कमेंट बॉक्स में आपको अपना आंसर लिखना है. नेक्स्ट सेकेंड टाइप आता है रिफ्लेक्शन सिमेट्री. देखो, रिफ्लेक्शन सिमेट्री के लिए हम समझेंगे, अगर आपके पास एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो हमें 2 डायमेंशन में भी मिल सकता है और 3 डायमेंशन के अंदर भी मिल सकता है. और अगर उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर से हम एक लाइन पास करा रहे हैं या एक प्लेन पास करा रहे हैं, तो वो क्या करेगा, हमें उसको 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करके देगा, और दोनों पार्ट जो हैं वो हमें कैसे मिलेंगे, सेम मिलेंगे. फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमने एक सर्कल लिया इस तरीके से और ये हमने लाइन लगाई, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाएगी. एक पार्ट हमें ये मिल रहा है और एक पार्ट हमें ये मिल रहा है. सेम हम इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, हमने वर्टिकल फॉर्म में लगा दी, तो एक पार्ट ये मिल रहा है और एक पार्ट ये मिल रहा है. तो ये हमने क्या किया है, लाइन ड्रॉ की है, तो हमें 2 आइडेंटिकल पार्ट्स मिल गए. ये हमारा चलेगा 2 डायमेंशन के अंदर. लेकिन अगर आपके पास 3 डायमेंशन क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर एक प्लेन ड्रॉ करेंगे, और प्लेन हमें क्या देगा, आइडेंटिकल क्रिस्टल देगा. फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक स्फीयर है और स्फीयर को आप बीच से कट करते हैं, तो आपको जो शेप मिलेगी वो कैसी मिलेगी, आइडेंटिकल मिलेगी. और वहाँ पर हमने क्या किया, एक प्लेन ड्रॉ किया, तब हमें वो शेप मिल रही है. अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है, देन आप डायग्राम बना दोगे. इन लाइंस के लिए आप यहाँ पे नाम लिख देना, लाइन ऑफ सिमेट्री. सेम यहाँ पे चलेगा, लाइन ऑफ सिमेट्री, दोनों फॉर्म के अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं. देखो, इट स्टेट्स दैट इफ अ प्लेन कैन बी ड्रॉन इन द बॉडी डिवाइडिंग इंटू 2 एग्जैक्टली सिमिलर पार्ट्स, सो दैट 1/2 ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द अदर हाफ. कि अगर हम एक प्लेन ड्रॉ करते हैं, तो वहाँ पे हमें 2 पार्ट्स में वो स्ट्रक्चर मिलेगी, और एक पार्ट जो है वो दूसरे पार्ट के बिल्कुल सिमिलर होगा. उसको हम एक तरीके से रिफ्लेक्शन फॉर्म के अंदर बोल सकते हैं, लाइक दिस. ये लाइन ऑफ सिमेट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है. ऐसे ही आप 3D का एग्जाम्पल भी दे सकते हो. अब नेक्स्ट टाइप समझते हैं इसका. नेक्स्ट टाइप आता है इन्वर्जन सिमेट्री. इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, उल्टा. तो इसका मतलब कुछ रिवर्स फॉर्म के अंदर चलने वाला है, ठीक है. इन्वर्जन सिमेट्री हमारी सिर्फ 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस के ऊपर ही एप्लीकेबल होती है, ये 2 डायमेंशन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी. और इसके अंदर हम एक पॉइंट ऑपरेशन अप्लाई करते हैं. एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझते हैं. देखो, एक क्रिस्टल इज सेट टू पोजेस इन्वर्जन सिमेट्री इफ फॉर एवरी लैटिस पॉइंट एट पोजिशन आर दीज एग्जिट अ लैटिस पॉइंट एट पोजिशन माइनस आर डैश. मतलब इन्वर्जन सिमेट्री तब एप्लीकेबल होगी अगर एक लैटिस पॉइंट के ऊपर पोजिशन आर पे है और एक किस पोजिशन के ऊपर है, माइनस आर के ऊपर. इसको समझते हैं हम. देखो, जैसे हमने यहाँ पे एक क्यूब ले लिया है, ठीक है, और क्यूब के जो कॉर्नर्स हैं, ये यहाँ पे लैटिस पॉइंट प्रेजेंट है, एक हमने कंसीडर कर लिया इस पोजीशन के ऊपर है, और ये वाली जो पोजीशन है इसको हमने क्या मान लिया है, सेंटर पोजीशन कंसीडर कर लिया है. अब अगर इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से ज्वाइन कराते हैं, इस पॉइंट को इस पॉइंट से हमने ज्वाइन करा दिया, और इसका हम पोजीशन वैक्टर चेक करेंगे, तो पोजिशन वैक्टर क्या रहेगा,
आर, इसको हमने नाम दे दिया ओ पॉइंट। और अगर हम इस पॉइंट के ऊपर चेक कर रहे हैं तो इसका जो पोजिशन वैक्टर रहेगा वो क्या रहेगा, माइनस आर, ठीक है। तो ओ इसको नाम दे रहे हैं ए बी, तो ओ टू ए पोजिशन वैक्टर क्या है, आर, और ओ टू बी क्या है, माइनस आर। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनवर्जन सिमेट्री को। ये एक डायगोनल की तरह यहाँ पे एक्ट कर रहा है और दोनों सिमेट्री इसके अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप करते हैं ट्रांसलेशन सिमेट्री। वो सिमेट्री होती है जब हम किसी भी लेटेस्ट पॉइंट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं एक पॉइंट, तो वहां से हमें एक नया लेटेस्ट पॉइंट मिलेगा और उस लेटेस्ट पॉइंट की जो सराउंडिंग होगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे एक लेटेस्ट कंसीडर किया है, ये टू डायमेंशन के अंदर है क्योंकि हम इसको पेपर पे ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ये एक लेटेस्ट बन गया और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ओरिजिनल पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट, ठीक है, इनिशियल पॉइंट, इसको हमने नाम दे दिया है ओ। और यहाँ पे हमने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया है ए पॉइंट, यहाँ हम कंसीडर कर रहे हैं बी पॉइंट। अगर बी से आप नियर बाय वाले पॉइंट्स चेक करते हो तो सभी पॉइंट्स हमें सेम दिखाई देंगे, ए से चेक कर रहे हैं तो वो भी सभी सेम है, अगर हमने ओरिजिन से चेक किए तो वो भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, क्योंकि ये थ्री डायमेंशन के अंदर इनफाइनाइट अरेंजमेंट होता है इसका, ठीक है। तो देखो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, इस तरीके से डेफिनेशन आएगी, इट इज डिफाइंड एज व्हेन अप्लाइड टू अ लेटेस्ट पॉइंट्स गिव्स यू अ न्यू लेटेस्ट पॉइंट व्हिच हैज आइडेंटिकल सराउंडिंग लाइक ओरिजिन लेटेस्ट पॉइंट। ये हमें पॉइंट दिया है, यहाँ से हमें एक नया पॉइंट मिला, इस पॉइंट के ऊपर पहुंचे, अगर नियर बाय सराउंडिंग हम चेक करेंगे तो सभी सराउंडिंग्स हमें सेम मिलेगी, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी है। अब देखो ओ से ए की जो पोजिशन है, यहाँ पे हमने लिया आर पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब हमें ए से बी पॉइंट के ऊपर पहुंचना है, तो इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसलेशन ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा, तो ए टू बी क्या होगा, ट्रांसलेशन ऑपरेशन, और जो ओ टू बी होगा वो हमें किसके इक्वल मिलेगा, आर डैश के। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, आर पोजिशन वैक्टर प्लस ट्रांसलेशन ऑपरेशन, जब ये हम अप्लाई करते हैं तो हमें एक नए पोजीशन फॉर्म मिलती है एंड दैट इज आर डैश। ये हम टू डायमेंशन के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं, थ्री डायमेंशन के अंदर भी, हमने पढ़ा था जो ट्रांसलेशन ऑपरेशन होता है या ट्रांसलेशन वेक्टर होता है उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, एन ए वन प्लस एन ए टू इस फॉर्म में आ जाएगा अगर टू डायमेंशन के लिए है, और अगर हम इसको थ्री डायमेंशन के लिए लिख रहे हैं तो ऐसे आ जाएगा एन ए वन प्लस एन ए टू प्लस एन ए थ्री। यहाँ पे बी सी भी लिख सकते हैं, ये पॉइंट्स भी हम लिख सकते हैं, तो ये आपका कहलाएगा ट्रांसलेशन सिमेट्री। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसमें ये तो हमारे टाइप्स हैं, अब हम कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे, अगर इन्हीं सिमेट्री ऑपरेशन को हम कंबाइन करते हैं तो वहां से हमें दो ऑपरेशन मिलते हैं, तो इसको हम लिखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन। जो हमने चार ऑपरेशन पढ़े, अगर उन ऑपरेशंस को हम कंबाइन करते हैं तो उससे हमें मिलता है फर्स्ट स्लाइड ऑपरेशन। स्लाइड ऑपरेशन के अंदर जो हमारा रिफ्लेक्शन और ट्रांसलेशन है उन दोनों का कम्बिनेशन फॉर्म होता है। रिफ्लेक्शन हमने पढ़ लिया, ट्रांसलेशन हमने पढ़ लिया, ठीक है, उसकी कम्बिनेशन फॉर्म ही होती है, जस्ट आपको इतना पता होना चाहिए। सेकंड आता है स्क्रू ऑपरेशन। स्क्रू के अंदर हम रोटेशनल, जो हमने रोटेशन ऑपरेशन पढ़ा था वो, और एक ट्रांसलेशन, इन दोनों का कम्बिनेशन होता है, उसको हम बोलते हैं स्क्रू ऑपरेशन। तो ये जो स्लाइड एंड स्क्रू ऑपरेशन है इनको हम बोलते हैं कंपाउंड ऑपरेशन। इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ, द स्लाइड एंड स्क्रू ऑपरेशन इज कॉल्ड कंपाउंड ऑपरेशन। अब देखो ये तो कंबाइन फॉर्म में है तो कंपाउंड आ जाएंगे, कंपाउंड का मतलब क्या होता है, मिक्सचर। अगर हम खाली बात करें रिफ्लेक्शन की और रोटेशन की तो वो दोनों आते हैं हमारे पॉइंट सिमेट्री ऑपरेशन में, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं द रिफ्लेक्शन एंड रोटेशन इज नोन एज
पॉइंट सिमेट्री ऑपरेशन। आपको एग्ज़ाम में एज इट इज़ लिखना है जैसे मैंने कराया है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो साथ साथ। डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेनेशन देनी है ताकि स्कोरिंग हो, ईजिली एग्जामिनर को समझ आए। पॉइंट्स को हाईलाइटेड वे में आपको लिखना है ताकि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी लगे एग्जामिनर को, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज़। थैंक यू।